नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। लॉकडाउन के चलते पूरा बाजार बंद है। ऐसी स्थिति में छोटे दुकानदारों की आर्थिक स्थिति डगमगाने लगी है। परिवार का भरण पोषण करना हो रहा है मुश्किल। कहां से देंगे दुकानों को किराया? मोबाइल सेंटर, होटल, चाट भंडार चलाने वाले दुकानदारों ने अब अपना धंधा बदलकर सब्जी बेचना शुरू कर दिया है। चिनोर से संवाददाता ज्ञान सिंह मौर्य की रिपोर्ट। सब्जी की दुकान इस वजह से चालू कर दी कि सब खर्चा पाने के लिए घर से मोबाइल से चलता था, अब सब्जी से चलने की कोशिश करी है तो जो काम करने लगे। अभी तो ठीक ठाक चलने लगा था, अब जैसे ही मैंने खोली और भी भैया बंदे होटल वाले हैं, मोबाइल वाले हैं, कपड़े वाले हैं, टिक्की भले वाले हैं, उन सबों ने सब्जी का धंधा स्टार्ट कर दिया। अभी चार दिन तो अच्छा चला, चार दिन के बाद फिर वो ऐसा हो गया नॉर्मली। अब तो जी ऐसे चल रहा है काम, बस सुबह से हम बन जाता है, कुछ खा पी लेते हैं। चंद्रशेखर गुप्ता, आपका तो होटल था सेठ जी, दो दो होटल थे, पर आपके होटल बंद करके ये सब्जी कब से बेचना शुरू कर दी? दोनों होटल बंद है साहब, एक महीने से। अब कुछ लोग सब्जी बेच रहे थे तो हमने भी सब्जी का काम चालू कर दिया। 20-25 आदमी का परिवार है, कैसे दूध का खर्चा चले, किराए का खर्चा कैसे निकले साहब, इसलिए सब्जी बेचना पड़ रही है। सब्जी से आपकी पूर्ति हो रही है? हाँ साहब, सब्जी से पूर्ति हो रही है। तो ऐसे मान लो चिनोर बाजार में ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने ऐसे धंधा बदल दिया लगभग? हाँ, टिकिया वाले भी हैं, कुछ परचूनी वाले भी हैं, उन्हें मोबाइल वाले भी हैं, उसमें सभी लोगों ने ढंग से